आज मैं आपके बीच में एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो इस मुश्किल दौर में आपको एक सच्चा और बेहतरीन इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगी। एक सच्ची घटना है जापान की। अपने मकान का नवीनीकरण कराने के लिए एक जापानी मकान की दीवारों को तोड़ रहा था, तभी उसने देखा कि दीवार के अंदर की तरफ लकड़ी पर एक छिपकली बाहर से उसके पैर पर ठुकी कील के कारण एक ही जगह पर जमी पड़ी है। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसे बहुत दया आई। जब उसने आगे जांच की तो पाया कि यह कील तो उसके मकान बनाते समय 5 साल पहले ठोकी गई थी। छिपकली इस स्थिति में 5 साल तक जीवित थी। दीवार के अंधेरे पार्टीशन के बीच बिना हिले बिना टूले, यह अविश्वसनीय था, असंभव था, अकल्पनीय था और चौंका देने वाला था। उसकी समझ से परे था कि एक छिपकली अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली वह कैसे जीवित रह सकती है। उसने यह देखने के लिए कि छिपकली अब तक क्या करती रही है और कैसे भोजन की जरूरत को पूरा करती रही है, अपना काम रोक दिया। थोड़ी देर बाद पता नहीं कहां से एक दूसरी छिपकली अपने मुंह में भोजन दबाए उस फंसी हुई छिपकली को खिलाने के लिए आ गई। उफ, यह दृश्य उसके दिल को अंदर तक छू गया। यह अद्भुत था, अत्यंत अद्भुत था। दूसरी छिपकली ने अपने साथी के बचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह पिछली छिपकली को पिछले 5 साल से भोजन करवा रही थी। अजीब है ना, एक छोटा सा जंतु तो यह कर सकता है, पर हम मनुष्य जैसे प्राणी जिसे बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद मिला हुआ है नहीं कर सकते। कृपया अपने प्रिय लोगों को कभी ना छोड़ें, उनकी तकलीफ के समय अपनी पीठ ना दिखाएं। आज आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं, पर कल तो अनिश्चित ही है और कल चीजें बदल भी सकती हैं। कुछ भी बनाने के लिए पूरा जीवन भी लग सकता है, पर उसे तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। प्रकृति ने हमारी उंगलियों के बीच शायद जगह भी इसलिए दी है ताकि हम किसी दूसरे का हाथ थाम सकें और मुसीबत के वक्त किसी के काम आ सकें। माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आया है तो देश के हर इंसान तक पहुंचाइए। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।